चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिंदी का जो छठा चैप्टर है जिसका नाम है एक लेख और एक पत्र, जिसके लेखक भगत सिंह है, इस पर मैं निबंध सारांश जो है ना, मतलब इसका जो सारांश था वो बना चुका हूँ। अब इस वीडियो में हम लोग प्रश्न उत्तर देखेंगे इस चैप्टर का। एक पत्र और एक लेख जो चैप्टर्स है भगत सिंह द्वारा जो लिखी गई, उसका जो प्रश्न उत्तर है हम लोग वो देखेंगे, ठीक है ना। देखिए, इस वीडियो में हम लोग प्रश्न उत्तर को ही सिर्फ सॉल्व करेंगे। अब देखिए, किताब नहीं तो किताब, मतलब किताब खोल कर बैठिए, बिना किताब का प्रश्न आप कैसे देखेंगे। नहीं तो यहाँ पर बोर्ड पर देखिए प्रश्न लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है कि विद्यार्थी को राजनीतिक जीवन में भाग क्यों लेनी चाहिए। अब यदि आप सारांश नहीं पढ़े तो एक बार पहले जाकर इस चैप्टर्स का सारांश पढ़िए, और जब एक बार मैं गारंटी देता हूँ, जब एक बार आप सारांश पढ़ जाएंगे तो सारे क्वेश्चन को फटाफट आप हॉल कर देंगे। इसलिए कहता हूँ पहले सारांश देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए देखिए, हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्यार्थी को राजनीतिक जीवन में भाग क्यों लेनी चाहिए। तो लेखक कहते हैं कि विद्यार्थी ही भविष्य का डोर है, विद्यार्थी को ही आगे चलकर देश को संभालना है। अगर विद्यार्थी राजनीति में भाग नहीं लेगा तो देश पिछड़ जाएगा, देश आगे बढ़ नहीं पाएगा। इसी कारण से बोलते हैं कि विद्यार्थी को राजनीति में भाग लेनी चाहिए, पढ़ाई करनी भी चाहिए, और पढ़ाई के साथ साथ अपने देश में क्या करनी चाहिए, देश को आगे बढ़ाने में, देश के विकास में, देश के डेवलपमेंट में योगदान करनी चाहिए। तो विद्यार्थी को राजनीति में क्यों भाग लेना चाहिए, देश के भविष्य को संवारने के लिए, देश को उज्ज्वल बनाने के लिए, देश को विकसित करने के लिए हर व्यक्ति को राजनीति में भाग लेनी चाहिए, ठीक है, हो गया। अब क्वेश्चन नंबर टू है, भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षा है, अपेक्षाएं हैं भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षा है, क्वेश्चन टू है। तो देखो, भगत सिंह चाहते हैं कि हर विद्यार्थी पढ़ाई करे, और पढ़ाई करते हुए अपने देश को विकसित करने में, देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान करे, अपनी भूमिका अदा करे। जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं भगत सिंह कहते हैं कि जो इंग्लैंड के विद्यार्थी थे, जब जर्मन से युद्ध हुआ तो इंग्लैंड के विद्यार्थी अपना पढ़ाई लिखाई छोड़कर वो कहाँ चले गए, अपने देश की सेवा में उस जर्मन सैनिक से लड़ने चले गए। तो उसी प्रकार कहते हैं कि विद्यार्थी भी अपना पढ़ाई लिखाई करे और साथ में अपनी राजनीतिक भूमिका में अपने करियर को, चाहे अपने पढ़ाई को क्या करे, यूज करे, ठीक है। तो कहने का मतलब है विद्यार्थियों से भगत सिंह की क्या अपेक्षाएं हैं। तो विद्यार्थी से भगत सिंह यही चाहते हैं कि विद्यार्थी जो है वो पढ़ाई भी करे, अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने देश को भविष्य बनाने के लिए, देश को विकसित करने के लिए अपना योगदान दे। तो विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं उनकी, यही अपेक्षाएं कि विद्यार्थी राजनीतिक जीवन में भाग ले, अपने करियर को बनाए, और साथ में देश को संभालने में, देश को विकसित करने में अपना योगदान निभाए। अब देखो प्रश्न नंबर तीन है, क्वेश्चन नंबर तीन क्या है कि भगत सिंह के अनुसार केवल कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है, उनके जीवन के आधार पर इसे प्रमाणित करें। देखो, भगत सिंह का एक कथन था कि केवल कष्ट सहकर भी, अगर मनुष्य कष्ट सहता है तो कष्ट सहकर भी वो अपने देश को क्या कर सकता है, मतलब देश की सेवा कर सकता है। अब जरूरी नहीं है कि सीमा पर अब जाके आप लौट रहे हैं तो वही आपका सेवा हो जाएगा, नहीं, आप अपने समाज का भी यदि सेवा करते हैं ना तो वो भी एक सच्ची देशभक्ति के बराबर है। कौन कहते हैं, भगत सिंह कहते हैं। तो कह रहे, कष्ट सहकर भी अपने देश की सेवा की जा सकती है। देशभक्ति का मतलब ये नहीं कि बॉर्डर पर गए बंदूक लेकर ठाए मार दे, ये देशभक्ति आपका, ये भी देशभक्ति है, लेकिन जरूरी नहीं कि वही देशभक्ति हो। अब सबको पुलिस में तो भर्ती नहीं हो पा रहा है आजकल। तो गांव में जो लोग हैं वो अपने समाज का भी सेवा करके, अपने अपने मतलब कष्ट सहकर भी वो क्या कर सकता है, सच्ची देशभावना की भक्ति अपने अंदर ला सकता है, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन था कि भगत सिंह के अनुसार केवल कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है, अब उनके जीवन के आधार पर इसको प्रमाणित करना है। तो लेखक कहते हैं भगत सिंह कि मनुष्य कष्ट सहकर अपने देश की सेवा कर सकता है, जैसे कि मैं जेल में हूँ, कष्ट सहकर अपनी आवाज को पूरी दुनिया में गुंजा रहा हूँ और अपने देश की सेवा कर रहा हूँ। तो बस इतनी बातें आप लिखेगा कि भगत सिंह कहते हैं कि अब मनुष्य केवल कष्ट सहकर भी अपने देश की सेवा कर सकता है, क्योंकि वही कष्ट मनुष्य को पूर्णता बनाने वाली होती है। पूर्णता मतलब पूर्णता उसको विकसित करने वाली होती है, इंसान बनाने वाली होती है। मनुष्य जितना कष्ट सहता है उतना मजबूत बनता है, उतना ये स्ट्रांग होता है, क्योंकि जब तक मनुष्य कष्ट नहीं सहेगा तब तक वो कभी खिलेगा नहीं, तब तक वो कभी विकसित होगा नहीं। जैसे कमल होता है, वो जब तक कचरे में जमेगा नहीं तब तक वो विकसित होगा नहीं, ऐसे साफ पानी में विकसित नहीं हो सकता। उसी प्रकार कहते हैं कि जो समस्याएं होती है, जो कष्ट होता है, मनुष्य को पूर्णतः विकसित करती है। इसलिए जब तक वो कष्ट नहीं सहेगा तब तक देश की सेवा नहीं कर सकता है। तो कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है, जैसा कि भगत सिंह ने जेल में कष्ट सहकर अपनी देश की सेवा की और पूरी तरह से अपने नाम का हर जगह डंका बजा दिए। प्रश्न नंबर चार, देखो प्रश्न नंबर चार है, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है, वे आत्महत्या को कायरता कहते हैं, इस संबंध में उनके विचारों को स्पष्ट करें। भगत सिंह बोलते हैं कैसी मृत्यु को सुंदर मृत्यु कहा जा सकता है। अब देखो बाबू, भगत सिंह कहते हैं कि जो मृत्यु तय करी गई है,
उस दिन का इंतजार करो और उस दिन जो मृत्यु दी जाएगी वही आपका सुंदर मृत्यु कहा जाएगा। ये कौन कहते हैं? भगत सिंह कहते हैं। भगत मान लो के बात मत, जैसे राजगुरु थे अंत में बोलते हैं कि अब आत्महत्या हम कर लेंगे, अब हमका अंग्रेजी बहुत मार रहा है, अब हम आत्महत्या कर लेंगे। तो लेखक बोलते हैं भगत सिंह, देखो बाबू आत्महत्या करना उचित नहीं है, वो कायर लोग कहते हैं। कायर लोग आत्महत्या के दर से, कष्ट के दर से दरपोक क्या करते हैं, आत्महत्या करते हैं। लेखक कहते हैं कि उस दिन का इंतजार करो जब तुम्हें फांसी दे दी जाएगी, उस दिन का इंतजार करो जब तुम्हें फांसी दे दी जाएगी, और उस दिन लोग जो है ना तुम्हारे शव को भी, तुम्हारे लाश को भी क्या करेंगे, सम्मानित करेंगे, तुम्हारे शव पर रोएंगे। लेकिन आत्महत्या कर लोगे तो कोई नहीं रोएगा, लोग यही कहेगा कि बुजदिल था, कायर था, डरपोक था, पिटाई की वजह से, चाहे मार की वजह से, अंग्रेज की डर की वजह से गर्दन में फांसी लेके आ कर दिया। कौन? भगत सिंह कहते हैं, ठीक है ना। तो भगत सिंह ने कह किया कैसी मृत्यु को सुंदर मृत्यु कहा है, और भी आत्महत्या को कायरता क्यों कहते हैं। देखो भगत सिंह बोलते हैं कि उस दिन का इंतजार करो जो मृत्यु तय करी गई है, उस दिन जो फांसी दी जाएगी वही सुंदर मृत्यु होती है। और भगत सिंह बोलते हैं देखो आत्महत्या कायरता है, डरपोक लोग, बुजदिल लोग ही क्या करते हैं, आत्महत्या करते हैं, हमें आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 देखो, भगत सिंह रूसी साहित्य को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं, वे एक क्रांतिकारी से क्या अपेक्षाएं रखते हैं। अब देखो भगत सिंह रूसी साहित्य को महत्वपूर्ण मानते थे, वो बहुत ज्यादा उस साहित्य से प्रभावित थे। क्यों? क्योंकि देखो वो जो साहित्य था रूसी साहित्य, रूसी साहित्य को पढ़ने के बाद लोग अपने आप को समझ पाते थे, अपने आप को झांक पाते थे। क्यों? क्योंकि देखो साहित्य हर देश का एक आईना होता है। तो लेखक कहते हैं कि वही साहित्य अपने देश में भी तो आनी चाहिए ना, जब तक साहित्य नहीं आएगा तब तक हम लोग अपने आप को कैसे झांकेंगे, कैसे पहचानेंगे कि हम लोग क्या है, हम लोग का अधिकार क्या है। जैसे मान लीजिए संविधान क्या है, हम लोग एक साहित्य ही हो गया वो, क्योंकि हम लोग उसमें अपने आप को झांकते हैं, समझते हैं कि हम लोग का क्या नियम कानून है, देश के क्या नियम कानून है। वही कहते हैं कि रूसी साहित्य को पढ़कर वहाँ के लोग, वहाँ के शासक जो थोड़ा विकसित हो गए थे। तो लेखक कहते हैं कि वैसा साहित्य अपने देश में भी होनी चाहिए जिसको पढ़ने के बाद लोग अपने आप को झांक सके, क्योंकि साहित्य ही हर देश का एक आईना होता है जिसमें मनुष्य अपने आप को झांकता है, अपने आप को देखता है, अपने आप को समझता है। इसी कारण से लेखक बोलते हैं कि रूसी साहित्य बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। 6 नंबर, उन्हें चाहिए कि वे उन विधियों का उल्लंघन करें परंतु उन्हें औचित्य का ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि अनावश्यक एवं अनुचित प्रयत्न कभी भी न्यायपूर्ण नहीं माना जा सकता। भगत सिंह के इस कथन का आशय बताएं, इससे अनेक चिंतन, उनके चिंतन का कौन सा पक्ष उभरता है वर्णन करें। लेखक कहते हैं कि हमें उन सारे नियमों का उल्लंघन करनी चाहिए जो बेकार है, जो गलत है, लेकिन कभी भी उन नियमों का उल्लंघन नहीं करनी चाहिए जो उचित है। कभी भी हमें सही रास्ते से गलत तरीका यूज नहीं करनी चाहिए। कौन कहते हैं? ये भगत सिंह कहते हैं। देखो भगत सिंह का कहना था कि हमें कभी भी, मतलब हमें भी उन सारे बेकार नियमों के, जो गलत नियम लगाए उन सभी का उल्लंघन कर देनी चाहिए, लेकिन हमें जो उचित नियम है, जो सही नियम है, उसका उल्लंघन नहीं करनी चाहिए। अब मान लीजिए किसी से अपनी बात मनवानी है तो उससे सही तरीका यूज करो ना भाई, वो क्यों नहीं मानेगा, अब वहाँ पर गलत तरीका यूज करेंगे। अब मान लीजिए कि बच्चा जो है वो रूसा है, एकदम मुँह फुलाया पूरा का पूरा, उसको खाना खिलाना मना कर, तो क्या करो, लाठी लेकर चलाओगे उस पर तो खाना खा लेगा? नहीं यार, तरीके बहुत हैं, तुम लाठी चलाओगे वो गलत तरीका हो गया। अब सही तरीका अपना, उसको प्रेम से चुचकार के एकदम कहो कि खा लो बाबू खा लो, उसको समझाओ, क्योंकि बच्चे हैं ना, उनके दिमाग में कचरा, उसको साफ करो। कोई भी आदमी कब रुसता है? जब उसके दिमाग में कुछ भर जाता है, जब उसके दिमाग में कुछ चलती है, तभी मनुष्य क्या होता है, मतलब उसके दिमाग में कुछ भर जाता है। देखो बाबू, मेरे कहने का मतलब यह है कि भगत सिंह कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी गलत रास्ते नहीं अपनानी चाहिए, गलत रास्ते पर चलनी नहीं चाहिए। हाँ, यदि गलत नियम है तो उसका उल्लंघन करो। जब मैं पढ़ाया था संपूर्ण क्रांति, तो उसमें जयप्रकाश नारायण क्या कहते हैं कि मुझे किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, मुझे सिर्फ व्यक्तियों के सिद्धांतों से, उनकी गलत नीतियों से, गलत तरीके से मुझे झगड़ा है। वही बात है यहाँ पर भी है। भगत सिंह कहते हैं कि जो सही नियम लगाए गए हैं, जो सही नियम है, हमें उनका उल्लंघन नहीं करनी चाहिए, जो गलत नियम लगाए गए हैं उनका उल्लंघन करनी चाहिए। और वही कहते हैं कि जैसे बताते हैं लेखक कि देखो, अगर किसी व्यक्ति से बात मनवानी है, चाहे अपने देश की आज़ादी करनी है, तो हम गलत तरीके यूज क्यों करेंगे, हम सही तरीके यूज करेंगे। जैसे केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह बम फेंके तो अपने आप को अरेस्ट कर दिए, चाहते तो भाग सकते थे। क्यों? क्योंकि भगत सिंह को देखकर बड़े बड़े वहाँ पर रूह कांप जाती थी, डरने लगते थे भगत सिंह को देखकर वहाँ के पुलिस लोग। चाहते तो भाग सकते थे, लेकिन नहीं, बोले कि आओ मुझे अरेस्ट कर लो। क्यों? क्योंकि गलत तरीके यूज नहीं करना चाहते थे। केंद्रीय असेंबली में जो बम फेंके भगत सिंह, वो रियल में असली बम नहीं था, वो सिर्फ धमाका वाला
कम था, क्योंकि इनका कहना था कि बहरों को सुनाने के लिए क्या होती है एकदम पूरा आवाज़ की ज़रूरत होती है, और इन अंग्रेज़ों को सुनाने के लिए ये जो आवाज़ है ना बहुत काफ़ी है। ये समझ जाएंगे कि भारत के जो लोग हैं वो विकसित हो रहे हैं, जाग रहे हैं, वो अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं। तो वही कहते हैं हमें गलत नीतियों का उपयोग नहीं करनी चाहिए, अगर गलत नियम है तो उनका उल्लंघन करो, लात मारो ऐसे ऐसे नीति को और अपने नीति का निर्माण करो, लेकिन यदि सही नीति है तो उनका हमें उल्लंघन नहीं करनी चाहिए और उसको मनवाने के लिए गलत तरीके भी यूज नहीं करनी चाहिए। जैसे कि भगत सिंह अपने आप को अरेस्ट कर दिए, गलत नीति नहीं अपना है, बोले कि ठीक है मुझे अरेस्ट करो मैं बम चलाया हूं, और वो अपने जेल के माध्यम से अपनी आवाज को पूरी तरह हर जगह फैला दिए। ठीक है, अब देखो सात नंबर निम्नलिखित कथनों का अभिप्राय स्पष्ट करना है। अब इसमें तीन गो है, क ख ग। क नंबर क्वेश्चन देखिए, क नंबर मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है। अब देखो लेखक कहते हैं इसमें कि विपत्तियां जो होती है ना मनुष्य को पूर्ण बनाती है, मतलब पूरी तरह से विकसित करती है। अब देखो कहता है कि वही मनुष्य उठता है जो गिरता है। अगर मान लो कि आप सक्सेस की ओर जा रहे हो, कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो उस बनने में क्या आप डायरेक्टर बन जाते एकदम? नहीं यार, उसमें कई बार गिरेंगे, कई बार उठेंगे, कई बार गिरेंगे, कई बार उठेंगे। एक कविता पढ़े होंगे कि नाविक तट पर पछताता है, लहरें उठती है गिरती है। कहने का मतलब है नाविक तट पर इंतजार करता है, लहरें उसकी उठती है गिरती है। वैसा ही मनुष्य होता है, उसके जीवन में कभी लहरें उठेंगी कभी गिरेंगी, मतलब सुख आएगा कभी दुख आएगा, कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा। लेकिन मनुष्य को कभी भी किसी भी परिस्थिति में नहीं घबरानी चाहिए, हमेशा समान स्थिति में रहनी चाहिए। तो लेखक कहते हैं कि मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि जो विपत्तियाँ होती हैं, जो संकटें होती है, वह मनुष्य को पूर्णतः विकसित करती है, कभी संकटों से घबरानी नहीं चाहिए। तो आशय बताना, तो लेकिन लिखना यह है कि यह जो पंक्ति है एक लेख और एक पत्र से ली गई है, जिसके लेखक कौन है? भगत सिंह है। वो बताना ये चाहते हैं कि मनुष्य के पास जो संकटें आती है उससे कभी डरनी नहीं चाहिए, उससे नहीं डरनी चाहिए, उसका डट कर सामना करनी चाहिए, क्योंकि वही संकटें मनुष्य की असली पहचान कराती है, उसकी असली शक्ति को अंदर से झकझोर कर निकालती है। वही विपत्तियां मनुष्य को पूर्णतः विकसित करती है। ठीक है, ख नंबर देखो, हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज है, इसका अभिप्राय बताना है। देखो लेखक कहते हैं यहाँ लिखना कि यह जो पंक्ति है एक लेख और एक पत्र से ली गई है, और इसके लेखक भगत सिंह है। देखो यहाँ पर लेखक ये बताना चाहते हैं कि हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज है। लेखक के कहने का मतलब ये है, लेखक का कहने का मतलब ये है कि अगर सोचो एक बार, कल्पना करो ध्यान से कि अगर कोई भी क्रांतिकारी अगर इस क्रांतिकारी दौर में नहीं उतरा होता तब क्या होता। लेकिन लेखक कहते हैं कि ऐसा नहीं है, तो समय की उपज है। समय में लिखा गया था कि एकदम ये लोग आएंगे, इसमें आपका देश आजाद होगा, इसमें भगत सिंह को फांसी दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि हम लोग सिर्फ समय की उपज है, भले हम लोग लाख कोशिश कर ले बदलने की, लेकिन समय के रथ को, समय के पहिया को कोई बदल नहीं सकता है। समय में लिखा गया था कि भगत सिंह जैसे संतान आएंगे और इस देश के लिए क्रांति लाएंगे और इस देश को पूर्णतः विकसित करके जाएंगे, देश में अपनी नामों का ढंका बजा कर जाएंगे। ये समय की उपज थी, समय में लिखी गई थी, तय था कि जो भारत है वो लगभग 300 वर्ष तक अंग्रेजों का गुलाम रहेगा। ये फिक्स था, ये तय था। मतलब देखो कहने का मतलब है हम तो केवल समय की आवश्यकता की उपज है। समय की जो आवश्यकता थी उसके लिए मैंने क्या किया, उपज हो गया। अभी समय की आवश्यकता थी कि हमें खड़ा होना है, क्रांतिकारी बनना, हमें देश के लिए लड़ना है, तो सिर्फ समय की जो आवश्यकता थी उसके लिए मैंने क्या किया, उपज बन गया। मैंने उसके लिए उपज हो गया, मतलब खड़ा हो गया और अपने देश के लिए क्रांतिकारी लाना चाहा, अपने देश को पूरी तरह से इंडिपेंडेंट करने चाहा। तो हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज है। लेखक कहने का मतलब यह है कि हम लोग क्या सिर्फ समय की उपज है, समय पर जैसी आवश्यकता होती है हम लोग वैसा काम करते हैं। अब मान लो खाना खाना है, अब सब समय के अनुसार ना खाना खाते हैं, सुबह में क्या करते हैं, भात उठ खाते हैं, शाम को समय क्या खाते हैं, आप रोटी वोटी खाते हैं। अब कहेंगे कि सुबह सुबह उठो तो सत्तू एकदम मारने लगो, क्या हो सकता है? आप खाएंगे, आपको अच्छा भी तो नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि समय अनुसार आपको आवश्यकता पड़ी है और समय अनुसार हर तरह की वस्तु उपज करनी होती है। ठीक है ना, अब मैं बोलूं कि दिन में आप क्या करो, हाफ पैड पर या ऐसे ही नंगे घूम सकते हो क्या? नहीं, आप नंगे नहीं घूम सकते हो, क्योंकि नंगे घूमने की आवश्यकता ही नहीं आपको, आपको आवश्यकता है कपड़े पहनने की। भाई फॉर एग्जाम्पल से आप समझिए ध्यान से इस बात को। ठीक है, तो हम केवल क्या है, समय की एक उपज है। ठीक है ना, जैसा समय देखा वैसा अपने आपको विकसित किया और क्रांतिकारी दुनिया में अपने आपको झोंक दिया, और जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में भगत सिंह के नाम का डंका बज रही है। अब गण नंबर देखो, मनुष्य को अपने विश्वासों पर धीरता पूर्वक अडिग रहने का प्रयत्न करनी चाहिए। लेखक कहते हैं भगत सिंह कि मनुष्य जो होता है ना उसको अपने विश्वास पर अडिग रहना चाहिए। एक बार अगर मनुष्य ठान ले कि मुझे ये करना है, जैसे भगत सिंह ने ठान लिया कि मुझे अपना सर्वस्व, अपना पूरा शरीर इस देश के लिए न्यौछावर कर देना है। जब भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी ना, तब अंग्रेजों ने क्या किए, जुलूस निकालने के डर से, जनता के जुलूस निकालने के डर से भगत सिंह के भगत सिंह को सौ को ले आकर नदी के किनारे ले कुटी कुटी काट दिए थे, इतना डरते थे।
तो लेखक अपने आप को पूर्णता जो था देश के नाम कर दिए थे भगत सिंह कि मैं सर्वस्व अपने आप को देश के लिए न्योछाड़ कर दिया हूँ। यहाँ तक कि वो शादी ब्याह भी नहीं किए, बोले कि नहीं मेरी कफन बनेगी, मेरी दुल्हन बनेगी ये धरती माँ, क्यों धरती से उन्हें बहुत ज़्यादा क्या था, लगाव था, बहुत ज़्यादा प्रेम था। तो कहते हैं कि मनुष्य को अपने विश्वास पर एक बार जो विश्वास हो जाना, एक बार जो मतलब शपथ ले ले उससे मतलब कभी पीछे नहीं मुड़नी चाहिए, यानी मनुष्य को अपने विश्वास पर हमेशा अडिग रहना चाहिए, कभी डटना मतलब हटना नहीं चाहिए। आपके अंदर जो विश्वास है, मान लीजिए देश के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं, अब आपका विश्वास ही जब टूटने लगेगा तो आप क्या करेंगे, कुछ कर सकते हैं? भगत सिंह का भी सारा जो पार्टी था टूट टूट कर धीरे-धीरे बिखर गया, लेकिन भगत सिंह अपने विश्वास पर अडिग रहे और आज भगत सिंह है। उनका ही नारा है इनकलाब जिंदाबाद, किनकी नारा है? भगत सिंह का। ठीक है, आगे देखो। अब 8 नंबर क्वेश्चन है, जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णता भुला देना चाहिए। आज जब देश आजाद है तो भगत सिंह के विचार का आप किस तरह मूल्यांकन करेंगे, अपना पक्ष प्रस्तुत करें। लेखक कहते हैं कि जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों को अपने आप को भुला देना चाहिए। आज देश आजाद है तो आप कैसा सोचेंगे? लिखनी इतनी सी बातें हैं कि अगर देश की बात आए ना तो मनुष्य को अपनी आन बान शान न्योछाड़ कर देनी चाहिए, पूर्णता अपने आप को क्या करनी चाहिए मतलब झोंक देनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए पुलवामा हत्या का नाम सुने होंगे आप, जब ये घटनाएं घटी तब सारे जो अपने देश के जो लोग थे ना एकदम पूरी तरह से मतलब खोखला गया था पूरा का पूरा कि अंग्रेज को ये कर देना, वो कर देना, ये कर देना है, वो कर देना। कहने का मतलब है कि बात देश की आ गई थी, सारे व्यक्ति जो था खोफला गए थे कि एकदम मारना है अंग्रेज को, सारे लोग जुलूस निकाले थे, हैं इमरान खान हाय हाय ये वो तरह तरह की बातें बोल रहे थे, सबको जुलूस दिखा जा रहा था हर जगह, पेपर में मीडिया में हर जगह यही चीज देखी जा रही थी। क्यों? क्योंकि बात देश के भविष्य की आ चुकी थी। अगर ऐसे ही कोई राज्य या किसी डिस्ट्रिक्ट का होता तो कोई बात नहीं था, लेकिन बात देश की आई थी। तो लेखक वही कहते हैं जब भी बात देश की आए तो व्यक्ति को अपने आप को भुला देनी चाहिए, भले आज हम लोग का देश आजादी क्यों नहीं है, अगर आज भी देश के प्रति कोई समस्या आ रही है तो व्यक्ति को अपने आप को भुला दो, अपनी घृणा अपनी द्वेष अपनी द्वेष अपनी जलन को मिटाओ, एक साथ मिलकर अपने देश के लिए लड़ो और देश के भाग्य को बनाओ। ठीक है ना, तो लेखक वही कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो अगर देश की बात आए तो अपने आप को भुलाओ और देश के लिए लड़ाई करो और क्या करो जंग स्टार्ट कर दो। ठीक है, वही बात है। अब देखो 9 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए किस समय की इच्छा व्यक्त की है, ऐसा क्यों चुनते हैं? लेखक कहते हैं भगत सिंह कि जब युद्ध जब ये युद्ध है ना चरम सीमा पर हो, जब अंग्रेज की स्थिति चरम सीमा पर हो, जब ये स्वतंत्रता का अधिकार एकदम चरम सीमा पर हो तब मुझे क्या कर जाए, फांसी दे दी जाए। कहते हैं कि जब ये युद्ध चरम सीमा पर चली जाए तब मुझे फांसी दे दी जाए। क्यों? क्योंकि लेखक बोलते हैं कि जब मुझे फांसी दे दी जाएगी ना तो मेरे फांसी के बाद एक नहीं हजारों भगत सिंह फिर पैदा होंगे और फिर इन अंग्रेजों की पानी अंग्रेजों को क्या करें पानी पिला देंगे। ठीक है ना, अब देखो 10 नंबर, भगत सिंह के इस पत्र से उनकी गहन वैचारिकता यथार्थवादी दृष्टिकोण का परिचय मिलता है, पत्र के आधार पर इसकी पुष्टि करें। देखो भगत सिंह क्या करता है, राजगुरु के नाम से पत्र लिखता है, भगत सिंह राजगुरु को समझाता है कि देखो बाबू आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, आत्महत्या कायर लोग करते हैं। भगत सिंह देखो कुछ स्थिति में क्या है ना कि भगत सिंह भी पहले आत्महत्या को उचित मानते थे लेकिन राजगुरु उसका समर्थन उसको विरोध करते थे, अब पलटा पलट गया, राजगुरु आत्महत्या करना चाहता है लेकिन भगत सिंह कहता है कि नहीं आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। भगत सिंह जो है उसको तरह तरह की संतावना देता है, तरह तरह की बातें समझाता है कि भगत सिंह देखो राजगुरु हमें क्या है ना कि आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, जब आत्महत्या कर लोगे तो लोग तुम्हें कायर बुरी दिल डरपोक कहेंगे, इसलिए आत्महत्या मत करो, जो तुम्हें समय दिया गया है फांसी की उसको क्या करो उसकी इंतजार करो, वो जो फांसी होगी सबसे सुंदर फांसी होगी, उस समय लोग भी तुम्हारे सौ पर क्या करें फूल चढ़ाने आएंगे, रोएंगे, तुम्हें याद करेंगे, तुम्हें नमन करेंगे, प्रणाम करेंगे, ऐसी मृत्यु को इंतजार करो, वही मृत्यु क्या होती है सुंदर होती है। तो इससे पता चलता है कि जो पत्र था उनका उसमें उनकी गहन वैचारिकता और यथार्थवादी दृष्टिकोण छुपा हुआ था, मतलब एकदम पूर्णतः अंदर से उनका विचार उसमें झोंका गया था। ठीक है, तो इस तरह से इनका 10 क्वेश्चन है, आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको बेटर से समझ में आ गए होंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में इस चैप्टर के हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर फिर मिलेंगे।